नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो अभी हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स यानी आईपीएल का फाइनल। अब आईपीएल का फाइनल में दोनों ही टीमें बेहद ही टक्कर की थी, जहां पर ये मैच किसी भी साइड जा सकता था। लास्ट बॉल तक इस मैच में रोमांच बना रहा, लेकिन आखिर कौन जीता हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। एमआई वर्सेस सीएसके की फुल मैच हाइलाइट्स, यानी कि आपको कितने रन किस खिलाड़ी ने बनाए और किसने कितने विकेट लिए। और आप मैच से जुड़ी, क्रिकेट से जुड़ी या फिर अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको क्या लगता है चेन्नई जीती या हारी, ये पहले आप कमेंट में कर दीजिए, उसके बाद हम पर्दाफाश तो करने ही वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप पाना चाहते हैं ऐसी न्यूज सबसे पहले तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप पाए न्यूज अपडेट सबसे पहले। चेन्नई को लगी निराशा और मुंबई इंडियंस चौथी बार चैंपियन टीम बन गई, जबकि सीएसके के पास भी था मौका चौथी बार चैंपियन बनने का, लेकिन 149 रन का पीछा करते हुए जब चेन्नई उतरी तो लग रहा था ये स्कोर आराम से पार कर देंगे, लेकिन वहीं सैम वॉटसन के अलावा किसी अन्य खिलाड़ी के ना चलने के कारण टीम बुरी तरीके से हार गई। सैम वॉटसन अकेले ने ज़्यादा रन बनाए हैं, जो कि टीम की आधे रनों से भी ज़्यादा है, बाकी खिलाड़ियों ने ज़्यादा रन नहीं बनाए और इसी वजह से टीम हार गई। जैसा कि देख सकते हो, इंडियंस 1-1 रन। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको देख सकते हो मुंबई इंडियंस के किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किया, तो वो है किरण पोलार्ड, जिसने 41 रन 25 गेंदों का सामना करते हुए बनाए। वहीं क्विंटन डी कॉक ने भी 17 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन बनाए और ईशान किशन ने 26 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 23 रन बनाए। वहीं अगर बात की जाए चेन्नई की जो बॉलर्स हैं उनकी, तो दीपक चाहर ने 3 विकेट लिए 26 रन देकर, 4 ओवर पूरे डाले। वहीं इमरान ताहिर ने 23 रन दिए, 2 विकेट लेकर 3 ओवर के अंदर, और उसके बाद शार्दुल ठाकुर के ओवर कुछ महंगे पड़े, उन्होंने भी 2 रन ले दिए। अब चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लेते हैं, उनके सैम वॉटसन ने अकेले ने ही मात्र 80 रन बनाए 59 गेंदों को खेलते हुए। वहीं फाफ डू प्लेसिस से वो मात्र 26 पर है, दूसरे हाइएस्ट स्कोर रहे हैं चेन्नई की तरफ से मात्र 26 के स्कोर पर। और उनके तरफ से बॉलिंग भी अच्छी देखने को मिली, जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में मात्र 14 रन दिए, यानी कि बहुत ही कसाकसी वाली गेंदबाजी की गई बुमराह द्वारा, लेकिन कुणाल पांड्या रन देते हुए नजर आए। वहीं राहुल चाहर ने भी 4 ओवर में मात्र 14 रन दिए। ये थी बॉलिंग जिसके कारण ही इस बार चेन्नई को रोका जा सका और लास्ट में एक खिलाड़ी के आउट होने के कारण मैच चला गया हाथ से। लास्ट बॉल में रन चाहिए थे 2 जीतने के लिए, 1 चाहिए था टाई करने के लिए, लास्ट बॉल में गया विकेट और ये मैच खत्म, और ये मैच गया एमआई के पाले में। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसी ही खबरें सबसे पहले बना चाहते हैं, यानी क्रिकेट हो या फिर खेल जगत की कोई भी अच्छी खबर आती है, बुरी खबर आती है, तो उसका वीडियो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।